हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाज डायरी। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज हम आए हैं शारजा मॉस्क। ये काफ़ी खूबसूरत है, बहुत प्यारी सी मस्जिद है। चारों तरफ रेत है और बीच में ये खूबसूरत सी मस्जिद है, तो काफ़ी प्यारा लग रहा है यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले हम बाहर टहल के देखते हैं क्या है कैसा है। बाहर भी काफ़ी बड़ा एरिया है। और ये यहाँ पे वज़ू के लिए है। मैंने सोचा चेक करूँ पानी आ रहा है कि नहीं। खैर पानी है, लेकिन अभी हम वज़ू नहीं करेंगे क्योंकि अभी नमाज के लिए काफ़ी टाइम है, तो हम बाद में ही कर लेंगे। यहाँ पे तो वज़ू करने में भी कितना अच्छा लगता होगा। और ये देखें मस्जिद कितनी प्यारी और खूबसूरत लग रही है। पीछे से थोड़ा थोड़ा सूरज भी दिख रहा है, तो और भी खूबसूरत लग रही है। ये पानी की वजह से तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चिड़िया भी खूब चहचहा रही हैं और हवाएं चल रही हैं ठंडी ठंडी सी। काफ़ी प्यारा मौसम है, अच्छा लग रहा है। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। ऐसे पानी बह रहा था झरने जैसा, तो बहुत अच्छा लग रहा था। खैर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ये सूरज भी काफ़ी प्यारा लग रहा है मस्जिद के साथ। हम देख रहे हैं। और अब हो गया है मग़रिब का टाइम, सारी लाइट्स वगैरह ऑन होने लगी हैं। हम भी धीरे धीरे अब मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। लाइट ऑन होने में तो कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर के बाद थोड़ा अंधेरा होएगा था, सारे जगह लगे रहेंगे।
और यहाँ पे ये भी देख लेते हैं क्या है। ये पार्किंग है, सारा खाली पड़ा है, अभी तो फ़िलहाल कोई कार वगैरह नहीं है। बाहर ही काफ़ी जगह है तो वहीं पे सारे पार्क कर देते हैं, यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है और ज़्यादा लोग भी नहीं होते हैं तो ये सारा खाली ही पड़ा है। बोल दो इधर, ये एवोल्यूशन के लिए है लेडीज, उधर ही है। क्या है इतना अच्छा लग रहा है, रखने के लिए शूज, देखिए आपको पता नहीं था। और अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ नीचे वजू करने के लिए। यहाँ पे भी काफ़ी सारा वजू के लिए है, काफ़ी जगह है। ये देखिए यहाँ पे सीढ़ी भी है लेकिन मैं लिफ्ट से ही जा रही हूँ। वजू के लिए हमें बेसमेंट में आना पड़ता है। अब मैं जा रही हूँ ग्राउंड पे। ये ग्राउंड फ्लोर है, अब हमें नमाज़ के लिए ऊपर जाना है। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मस्जिद कैसी लगी। और अभी मैं आ गई हूँ ऊपर, अब यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ूँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे मस्जिद अंदर से भी बहुत खूबसूरत लग रही है, काफ़ी खूबसूरत है। मस्जिदें तो खैर सारी खूबसूरत होती ही हैं। और यहाँ पे ये कुरान भी रखे हुए हैं पढ़ने के लिए। औरतों में ज़्यादा औरतें नहीं हैं, बस दो चार लोग ही हैं, और नमाज़ के लिए भी चार पाँच मिनट बचा है, अज़ान नहीं हुई है, अज़ान का वेट कर रहे हैं, फिर अज़ान होगी तो नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो गई। और ये पॉलीथीन दिया था इन्हें यहाँ पे बिछा के नमाज़ पढ़ने के लिए, सजदा की जगह ये बिछाना था। जब से कोरोना आया है यही सब चल रहा है। जमात हो गई है और अब हम चलते हैं नीचे। अभी दो चार दो तीन लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे नमाज़। ये नीचे सारी मस्जिद खाली हो गई है, नमाज ख़त्म हो गई है तो सब जा चुके हैं। सच में इतना खूबसूरत, इतना सुकून लग रहा है ना कि जाने का मन ही नहीं कर रहा है। अभी तो सारी लाइट्स ऑन हो गई हैं तो और भी अच्छा लगने लगा है। और यहाँ पे आना है तो यही असर के बाद आओ तो दिन में कैसा लगता है वो भी आप लोग देख सकते हैं, और रात में कैसा लगता है वो भी देख सकते हैं। तो ये टाइम बहुत अच्छा है।
और यहाँ पे तो सभी को पता है कि यूएई में सारी मस्जिदें कितनी खूबसूरत होती हैं। चलिए अब हम चलते हैं घर। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नहीं हम कहे चलो, देखो।